भी अभियान चलाया जाएगा। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार नशे का अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त है। प्रदेश में सभी हुक्का लॉज बंद कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में जल्द ही तंबाकू गुटखा के खिलाफ भी अभियान चलाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की चेतावनी के बाद मध्य प्रदेश में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया गया है। पूरे प्रदेश में चल रहे नशा मुक्ति अभियान में पिछले 3 दिन में 42,660 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है। इसी दौरान नारकोटिक्स एक्ट में 360 प्रकरण कायम करते हुए 382 लोगों को आरोपित बनाया गया है। प्रदेश में नशे का अवैध कारोबार करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही करने के निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए हैं। 8 अक्टूबर से अब तक अवैध शराब के 5,764 प्रकरण कायम कर 5,790 व्यक्तियों को आरोपित बनाया गया है। सार्वजनिक स्थल पर शराब पीने वाले 1,178 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। इसी अवधि में शराब पीकर वाहन चलाने वाले 606 लोगों के खिलाफ प्रकरण कायम किया गया है। रीवा पुलिस ने अवैध नशा कारोबारियों से 25 क्विंटल महुआ लहान जब्त किया है। यहां पुलिस ने कफ सिरप की 7,000 सीसियां भी पकड़ी है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव का परिणाम पूरे देश को पता है, फिर 80 वर्षीय मल्लिकार्जुन खड़गे को क्यों परेशान किया जा रहा है, यह समस्या से परे है। नशा मुक्ति को लेकर सरकार अभियान चला रही है। पिछले 44 दिन की बात करें तो बड़ी संख्या में अवैध शराब जब्त हुई है, कई मामले दर्ज हुए हैं। प्रदेश सरकार नशे के कारोबार करने वाले इन बदमाशों के खिलाफ सख्त है। मध्य प्रदेश की पुलिस ने मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद में इस अभियान को और तेज किया है। सारे हुक्का लाउंज बंद कर दिए गए हैं। 43,000 लीटर से अधिक की शराब जब्त की गई है। NDPS एक्ट के तहत 360 प्रकरण दर्ज किए गए हैं और हमारी पुलिस पूरी ताकत शिद्दत से नशे के जो माफिया हैं, नशे का कारोबार करने वाले हैं, उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ेगी। हम बहुत जल्दी ये गुटखा जो होते हैं, तंबाकू, गुटखा, इनका भी खिलाफ अभियान चलाएंगे।